और ऐसे ही मेरी टीम में एक है मिस्टर विकास खन्ना, तो सर से मिलवाने का मैं हमेशा उसको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे प्रवीण नारायण सर से उन्होंने बुलाया। दूसरी टीम के कोऑर्डिनेटर हैं। जीवन में आज सुबह सुबह हुआ क्या, कहते मैं यहां आने के लिए तैयार हो रहा था और 7:15 बजे बम फूट गया मेरे ऊपर। सर कहते हैं आज आपको ट्रेनिंग में अपना बोलना है। 7:15 बजे मैं यहां आने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, कुछ नहीं कहेंगे सर, लेकिन इन्होंने एक बात कही और वो ये बोला कि सुमसय जो होता है ना वो हर जगह हर समय तैयार होता है। करो ठीक है सर, देख लेंगे जो होगा सब। मुझे लगता है कि मैं आपको बोर नहीं करूंगा। मेरे को जो आज का एक टॉपिक है सक्सेस एंड लक, जनरली जिंदगी में होता है क्या कि हर आदमी सफलता के लिए कहता है कि दो चीजें होनी चाहिए, एक है लक, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आदमी जो भी असफल है वो सबसे पहले रोना क्या होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत खराब है इसलिए मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, और वो तरह तरह के बहाने देता है, ऐसा होता है ना। लेकिन एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने, किस्मत से आप किसी खास परिवार में पैदा हो सकते हैं, किसी पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं करी है तो आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। बड़ा उदाहरण कि अपने को मेहनत करना पड़ेगा, तो क्या लक इतना काम करता है, वहां तक पहुंच गया आदमी लेकिन फिर भी फिसलता है। होता क्या है कि जो भगवान है वो हमें हमेशा बराबरी का हक देता है कि बेटा पहले तू कर फिर मैं तेरे को जांचूंगा परखूंगा, और जीवन में अगर तू सचमुच में वो चीज पाना चाहता है तो तू एक कदम बढ़ा, दूसरा कदम मैं तेरे साथ आगे बढ़ा दूंगा। एक पुरानी स्टोरी है, हो सकता है आपने सुनी भी हो, कि हरियाणा में एक ताऊ की भैंस खो गई। अब भैंस खो गई, ताऊ बड़े परेशान हुए, चल पड़े ढूंढने। अब चल रहे थे रस्ते में तो शंकर भगवान का मंदिर आ गया, भगवान से कहने लगे हाथ छोड़ के, हे भोलेनाथ मेरा परिवार चलता था इस भैंस से, तू मेरी भैंस ढूंढवा दे, मुझे मिलवा दे, एक थन का दूध तेरा रोज चढ़ाऊंगा। आगे बढ़े, देवी मां का मंदिर मिल गया, नतमस्तक हुए, साष्टांग किया, माता भवानी तू तो सर्वत्र है, तेरे को सब पता है, अगर मेरी भैंस मिल गई तो रोज मैं एक थन का दूध तुझे दिया करूंगा। आगे बढ़े, अब हमारे यहां परंपरा है ना, कदम कदम पे हनुमान जी का मंदिर मिल गया, बजरंग बली तुम तो लंका में से क्या क्या नहीं कराए थे, संजीवनी तक उखाड़ लाए, पूरा पहाड़ उखाड़ा तुमने मेरी भैंस को, अगर तुम मेरे को तिलवा देते हो, ढूंढवा देते हो, मेरे को भैंस मिल जाती है तो मैं एक थन का दूध आपको दे दूंगा। अब आगे गए, गांव की डोरी से भी बाहर निकल गए तो भैरव बाबा का मंदिर मिल गया, हे भैरवनाथ तुम तो आकाश पाताल सब जानते हो, भैंस कहीं ना कहीं तो है, ढूंढवा, वादा है मेरा तेरे से, अगर भैंस मिली तो एक थन का दूध तेरा। अब ताऊ के साथ उसका बच्चा भी चल रहा था, बेटा, कहने लगा बापू ये चालनगर ने, क्यों भाई
बैच मिल भी गई तो करेंगे क्या उसका? चारा और खिलाना पड़ेगा क्योंकि चारा था तो तूने दे दी, अब क्या करेंगे उस बैच का? तो ताऊ ने बड़ा मजेदार उत्तर दिया उसको कि बेटा ऐसा ही तो भगवान है, पहले भैंस मिल जाने थे फिर उनसे निपट लेंगे। तो भगवान जानता है आदमी बेईमान है, कर जाएगा मिलने के बाद, तो कभी भी वो पहले नहीं करता, पहले वो देखता है कि ये आदमी कितना कर सकता है सचमुच में, ये वो पाने की इच्छा रखता है क्या। एक बड़ी मोटिवेशनल बात है स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई है, कहते हैं भगवान को ढूंढते हुए कहां नहीं गए, मैं बहुत संक्षेप में बात बता रहा हूं, ये दो लाइन में समझ गए, देखा मैं भगवान को मिलवा सकता हूं, ये कर सकता हूं, दुनिया भर के सब जगह पहुंच गए, कहीं कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली वो रामकृष्ण परमहंस के पास गए, उसकी सेवा करते रहे कई दिन तक, कुछ नहीं हुआ, रोज सुबह उठते गंगा पे जाते स्नान करते सारा काम होता नहीं हो रहा था, तो एक दिन गुस्से में आ गए और स्वामी रामकृष्ण परमहंस को बहुत गालियां दी, गम करते हो तुम यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले जीवन में, लोगों को बहकाते हो मैं भगवान से मिलवाता हूं, मेरे को इतने दिन हो गए आपकी सेवा करते हुए आपके आश्रम में रहते हुए, रोज पूछता हूं भगवान से कब मिलवाओगे, आज तक तो मिलवाया नहीं। तो सुबह जब स्नान को गए नरेंद्रनाथ दत्त, ये उनका नाम था स्वामी विवेकानंद का पहले का, जैसे उन्होंने डुबकी लगाई ना रामकृष्ण परमहंस ने उसको ऊपर से पकड़ लिया सर से और बाहर ना निकलने दबा दिया, दम घुटने लगा नरेंद्रनाथ दत्त का, और जब देखा कि अब मर जाऊंगा तो उन्होंने जितनी उनके अंदर ताकत थी पूरी ताकत लगाई बाहर निकले और रामकृष्ण परमहंस को जो सुनाया जो मुंह में आ सकता था सब बोले, तुम्हारा ढोंग खुल ना जाए इसलिए तुम मुझे मारना चाहते हो पानी के अंदर, सुबह सुबह किसी ने देखा भी नहीं है साथ आते हुए इसलिए डुबो देना चाहते हो, अरे भगवान तुम्हें नहीं पता तो मत बताओ, मेरे से कह दो मैं चला जाऊंगा। लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक सवाल किया, तू मेरे को एक सवाल का जवाब दे, भगवान अभी तेरे सामने प्रकट करूंगा, अभी जो तूने अपनी जीवन बचाने के लिए जितनी ताकत लगाई बाहर आने के लिए पानी से, क्या जो अभी तेरे अंदर जीने जिंदगी जीने की इच्छा थी वही इच्छा क्या भगवान पाने के लिए है? अगर ये इच्छा है तो ही भगवान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, किस्मत के भरोसे कुछ नहीं होता है। तो ऐसा तब उनको रियलाइज हुआ और तब वो नरेंद्रनाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद, क्योंकि हमें किसी चीज को पाने की कितनी इच्छा है, अगर वो इच्छा हमारे पास नहीं है तो वो चीज कभी भी हमें नहीं मिलेगी। तीन चीजें होती है सक्सेस के लिए, बहुत परिश्रम करना होता है, लेकिन अब परिश्रम की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कठिन परिश्रम कौन करता है? एक रिक्शा पुलर, रिक्शा पुलर और खुदाई वाला मजदूर। आपने कभी राजस्थान के भयंकर रेगिस्तान में मई जून के महीने में अगर किसी को सड़क पे पत्थर तोड़ते हुए लेबर को देखा है ना, वो सबसे कठिन परिश्रम करता है, लेकिन क्या वो सफल है? केवल कठिन परिश्रम सफलता का आधार नहीं हो सकता, आपको उसके साथ कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा और वो चीज होती है स्किल। स्किल क्या काम करती है? एक बहुत बड़ी मशहूर स्टोरी है, मुझे नाम पूरा याद नहीं आ रहा, एक बुक है बाकायदा पूरी इसके ऊपर बेस्ट सेलर बुक है, सैन पाउलो करके शायद ये नाम है। वो दो दोस्त होते हैं और दोस्त क्या करते हैं कि एक गांव में सूखा पड़ जाता है, पानी की समस्या क्रिएट हो जाती है, अब
पब्लिक इकट्ठी होके वहां पोस्ती करते हैं जो वहां के राजा होते हैं कि भाई हमारे यहाँ बड़ी समस्या होगी, पूरा गांव परेशान है और पानी की व्यवस्था करो नहीं तो भूख से मर जाएंगे लोग, प्यास से मर जाएंगे। हुआ क्या कि वहां गांव में दूसरे वो पहाड़ पे एक गांव है, उसके दूसरे पहाड़ पर पानी का अथाह भंडार है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वहां से और इधर पानी लाने में लोग बहुत परेशान है। तो राजा ने दो लोगों को हायर किया और उनको कहा कि तुम हर बाल्टी पे मैं तुम्हें एक रुपया दूंगा और तुम इन लोगों को पानी पिलाओ। दोनों ने बाल्टियां ली, शुरू किया पानी ढोना, रोज कुछ कमाई करने लगे दोनों के दोनों। अब कमाई हर आदमी की लिमिट होती है मेहनत करने की, कितनी बाल्टी एक पार से लाना है दूसरे पार पे चढ़ाना है, कितनी बार आएगा और जाएगा। तो उन्होंने एक दोस्त ने प्लान बनाया, उसने प्लान बनाया कि अगर मैं अपनी बाल्टी का साइज बढ़ा दूं, जो अभी 10 लीटर पानी आता है, अगर मैं इसको 12-15 लीटर कर दूं तो एक बार में ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा पानी आएगा तो मेरे को ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो उसने किया, लेकिन दूसरे दोस्त के बात समझ में नहीं आई कि ऐसे तो कोई लिमिट है, मैं बाल्टी का साइज कितना बढ़ा सकता हूं, फिर उस बढ़े हुए साइज को उठाना भी तो है, वहां तक लेके भी तो जाना है, तो साइज बढ़ाने से तो बात नहीं बनेगी, चक्कर बढ़ा दूंगा तो भी मेरा शरीर है थक जाएगा, बीमार हो जाऊंगा। उसने क्या किया, उस पहाड़ से एक पाइपलाइन का एक उसको आइडिया आया कि मैं क्यों नहीं इस पहाड़ से इस जलकूप से एक पाइपलाइन बनाऊं और वहां उस गांव तक ले जाऊं जहां मुझे पानी पहुंचाना होता है। और उसने ये अपना आइडिया क्लिक किया। दूसरा दोस्त जिसने बाल्टी का साइज बढ़ाया था वो फिर भी लिमिट में रहा, लेकिन इसने पूरे का पूरा इधर का जो पानी का समुद्र था वो अपने दूसरे गांव में पहुंचा दिया। इसे कहते हैं स्किल। तो अगर हम हार्ड वर्क के साथ में स्किल भी यूज करें तो भी सफलता हमारे पास आती है। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है एटीट्यूड। अगर ये बदल जाए तो जिंदगी संवर जाती है, सब कुछ बदलता है, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, सब कुछ यही डिपेंड करता है। देखो होता क्या है, ये सर्टिफाइड फार्मूला है। फार्मूला क्या कहता है, फोकस। अगर ये हमारे पास है तो हम किसी भी चीज पे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सक्सेस हमारे। फोकस का मतलब है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। इसका मतलब क्या है, एक फार्मूला है 21-90 का, ये बहुत मशहूर फार्मूला है और यह जीवन में एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है। यह फार्मूला क्या कहता है, किसी को पता है क्या, सुना है किसी ने 21-90 का फार्मूला? और सबको बताते हैं, अगर कोई काम आप कोई भी काम 21 दिन तक करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है, कन्वर्टेड इनटू योर हैबिट। अगर कोई काम आप 21 दिन तक लगातार करते हैं तो 22वें दिन, मान लो किसी ने जॉगिंग शुरू किया 21 दिन तक लगातार करता है तो 22वें दिन उसकी आदत में आ जाएगा, उठेगा चलेगा और अपने आप जॉगिंग करने लगेगा, उसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको अलार्म भी नहीं लगाना पड़ेगा उठने के लिए। और अगर वही काम वो 90 दिन तक लगातार करे टिल 90 डेज तो वो उसका लाइफ स्टाइल बन जाता है। विद इन 20 डेज इट बिकम योर हैबिट एंड इफ यू कंटिन्यू इट टिल 90 डेज इट विल बिकम योर वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का तरीका बन जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, रस्सी आवत जात है तो सिर पर परत निशान है, करत करत अभ्यास के जड़ बन जाता है। तो ये आदत बन जाता है और जो आदत बन जाता है कंटिन्यू करते तो लाइफस्टाइल बन जाता है। और जिसको आदत पड़ गई, जिसने अपनी जीवनचर्या बना लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसको रोक दे।
कोई चीज नहीं है जिंदगी में जो हमें रोक सके, लेकिन उसके लिए अपने को उस चीज को हमेशा अपने लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करने को ही एटीट्यूड कहते हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में हम सुनते हैं ना, बड़ा एटीट्यूड मारता है, उसकी सफलता बोलती है। ये स्किल्स की बात है, मोटी मोटी बात है। ये स्किल में क्या क्या चीजें हैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि स्लाइड बहुत लंबी है और हम बात इसको कम से कम 2 घंटे तक डिस्कस कर सकते हैं, 3 घंटे तक। लेकिन हम समझ सकते हैं कि स्किल में ऑब्जेक्टिव शामिल होते हैं, सीखना होता है, मूवमेंट्स आर इफिशियंट होने चाहिए आपके, फॉलोइंग एंड एंथेटिकली प्लीजिंग कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल तभी आपको मिलता है। अब ये एटीट्यूड पे हम बात कर रहे थे, ये क्या है? अगर मैं ए जो अंग्रेजी का शब्द है उसको 1 नंबर दे दूं अक्षर को और जेड को 26 दे दूं, 1 2 3 4 5 6 जितने भी लेटर्स हैं इसके, तो लक के लिए देखिए क्या बनता है। लक कितना परसेंट काम करता है हमारे जीवन में? 47%। इतना ही करेगा 100% सफलता नहीं आएगी। स्किल की बात करें तो स्किल को भी अगर हम ऐसे करके देखें तो 63% आता है। कहते हैं नॉलेज, नॉलेज के ऊपर एक स्टोरी सुनाता हूं, मुझे भी याद आ गई देख के। एक गांव में आजकल कहते हैं अध्यात्म का बहुत अच्छा बिजनेस है, कोई भी बाबा बन के बैठ सकता है और करोड़ बनाता है और राम रहीम बन जाता है और रामपाल बन जाता है और आसाराम बन जाता है और फलाना ढिमकाना बनता है। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि देखो अध्यात्म के बारे में खूब पढ़ लेते हैं और हमारे पास नॉलेज इकट्ठा करते हैं, नॉलेज इकट्ठा करके और क्या करेंगे, ये धंधा बहुत अच्छा है नॉलेज वाला, 96% है ना। लेकिन नॉलेज भी कई बार कितना कहते हैं शेर को सवा शेर मिल जाता है। तो ये मास्टर जी चले गांव में, गए तो गांव में घुसते एक बच्चा मिल गया। बड़ा कोई हो तो शायद बहस भी करेगा, बच्चा क्या बहस करेगा, उसको क्या पता भगवान क्या होता है, अध्यात्म क्या है। तो बाबा ने पकड़ लिया बच्चे को, जेब से मोमबत्ती निकाली, दिया सलाई जलाई और लो आ गई रोशनी, ज्योति जगमग हो गई, मोमबत्ती जल उठी। तो बच्चे को पकड़ के कहते हैं बालक ये बताओ इस मोमबत्ती में ये ज्योति कहां से आई? अब बच्चा था लेकिन नॉलेज का मामला था, उसने फूंक मारी और कहने लगा बाबा तू ये बता ये ज्योति कहीं खड़ी है। तो नॉलेज हो सकता है बहुत अच्छा काम आए लेकिन वो भी कई बार भारी पड़ जाती है। अल्टीमेटली एटीट्यूड पे बात आती है। अंग्रेजी का इकलौता शब्द है ये जो 100% आपको परिपूर्ण बनाता है। अगर आपने अपना एटीट्यूड बदल दिया तो आपका सब कुछ बदल सकता है। इसको छोड़ देते हैं, ये एटीट्यूड से रिलेटेड है। ये एटीट्यूड होता क्या है, कैसे दिखता है? ये एक पिक्चर है आइसबर्ग की, टाइटैनिक डूब गया था ना टकरा के, हुआ क्या था, सेलर टाइटैनिक को सेल कर रहा था और उसको ऐसा दिखा, उसने आगे बढ़ाया क्योंकि वो स्किल बहुत थे उसमें कि मैं तो परफेक्ट सेलर हूं और जहाज मेरे जैसा कोई चला नहीं सकता, मेरे पास बहुत जानकारी भी है और परफेक्शन भी है, यही सब हमारा दिखता है। सब एटीट्यूड में यह दिखता है इतना हिस्सा जो पब्लिक को जानता है, लेकिन एक्चुअली क्या है यह होता है। अगर किसी ने पंगा लिया तो उसे पता नहीं चाहे कितना ही मजबूत जहाज है धराशायी हो जाएगा। केवल 10% आदमी को बाहरी आवरण दिखता है,
जिस आदमी ने अपनी आदतों को, सक्सेस को, स्किल्स को लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर लिया वो ऐसा होता है। प्रवीण नारायण सर हमारे बीच में जब खड़े होते हैं तो सामान्य से व्यक्ति दिखते हैं हमें, लेकिन जब ये ट्रेनिंग लेते हैं या किसी से बात करते हैं, मैं तो बहुत एडमायर हूं, बहुत इंस्पायर हूं इनसे। किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं और दोस्ती भी ऐसी जो बॉन्डिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो तभी है जब ये इस स्तर पे आ गए हैं। ये दुनिया भर में कोई भी जान सकता है और ये सच्ची बात यही होती है। बस बिजनेस में प्रॉब्लम तो आती है और होता क्या, कितनी प्रॉब्लम आती है, क्लाइंट ही नहीं है, किसको बेच के आए सामान, रेस्टोरेंट में कोई आता नहीं, कहां से ढूंढे, कंपटीशन बहुत है, इतने सारे रेस्टोरेंट खुल गए हैं, इतने सारे एडवाइजर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य बैठे हैं, टैरो रीडर बहुत आ गए हैं, मैं क्या कर सकती हूं। और सबसे ऊपर ये खराब स्लो डाउन चल रहा है ही नहीं, कहां से आए। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज भी कभी डिमोनेटाइजेशन हो जाता है, कभी जीएसटी आ जाती है, है? आपने तैयार किया था अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर सब बनाया था और ये गवर्नमेंट आ गई बीच में घुस के नियम कानून ही बदल दिए, तो नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन आपको धन्यवाद करना चाहिए कि ये सब होते हैं, आप प्रोफेशनल हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कोई कौन आएगा, क्यों आएगा, क्यों भाई, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बदलेगी तो आपकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। तो ये सारी समस्याएं हैं, इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं इन सब का कि हमारी जरूरत समाज को है, चाहे कोई रेस्टोरेंट खोले बैठा है, क्योंकि कई बार किसी से झगड़ा हो जाता है, खाना नहीं बनेगा तो उसको मनाने के लिए अपना पेट भरने के लिए ले जाते, चलो भाई दोनों चलते बाहर खाना खा के आते नटखट में। तो एक ये बस मेरा आखिरी है, दिस मैसेज सर्व टू प्रूव हाउ योर माइंड कैन डू अमेजिंग थिंग्स, इंप्रेसिंग थिंग्स इन द बिगनिंग। इट वाज हार्ड बट माइंड इज डिडिंग इट ऑटोमेटिकली विद आवर। अच्छा किस भाषा में लिखा है, लोग कहते हैं मुझे अंग्रेजी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश पंजाबी नहीं आती, अल्फा न्यूमेरिक लिखते हैं, ये पता नहीं क्या लिख दिया है। लेकिन अगर पढ़ना चाहा हमने पढ़ा, तो आपका नॉलेज आपका स्किल कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता आपका एटीट्यूड। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से पढ़ लेंगे, अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आपका एटीट्यूड नहीं है वैसा करने का, तो कोई भी माइक का लाभ नहीं है जो करवा दे। मेरा इतना ही आज आपके लिए कहना था कि अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बिजनेस और ये प्रतिक्रिया के माध्यम से जो कॉन्फिडेंस के लिए एक दूसरे को आगे बढ़ाने की, एक दूसरे के एम्बेसडर बनने की, निश्चित रूप से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। आप सबकी तालियों के बीच एक हमारा लीडरशिप अवार्ड रमेश जी को तालियां दीजिए। थैंक यू रमेश जी, शॉर्ट टाइम पे सही बात है, 7:15 बजे मुझे कहना पड़ा, क्योंकि 7:15 बजे मुझे हमारे जो आज के ट्रेनर थे उनका मैसेज आया ललित।